हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आलू गोभी की सूखी सब्जी और बिल्कुल हलवाई स्टाइल सब्जी बनेगी। और मजे की बात यह है कि बिना प्याज लहसुन के आज हम ये सब्जी बनाने वाले हैं। सब्जी को थोड़े से अलग तरीके से बनाएंगे, लेकिन ट्रस्ट में सब्जी इतनी शानदार बनेगी कि आप बार बार ऐसी आलू गोभी बनाना पसंद करेंगे, वो भी बिना प्याज लहसुन के। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं दोस्तों। अगर थोड़ी सी भी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और एक बार ये आलू गोभी की सूखी सब्जी जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले गैस के ऊपर एक कढ़ाई रखेंगे। इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे। मैंने सरसों का तेल इस्तेमाल किया है। आप जो भी तेल खाते हैं उसमें सब्जी बना सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में सब्जी थोड़ी ज्यादा स्वाद बनती है। अगर हो सके तो इसमें ही बनाइएगा। आप तेल को मीडियम हीट पर गर्म कर लेंगे। और कुछ मैंने गोभी ली है, गोभी को धोकर साफ करके अच्छे से मैंने रखा था। अब इस गोभी को हम मीडियम हीट पर लाल लाल होने तक फ्राई करेंगे। तो थोड़ी सी अलग सब्जी की रेसिपी है, हलवा स्टाइल बना रहे हैं, बिना प्याज लहसुन की सब्जी बनेगी और बहुत कमाल की बनकर तैयार होगी। तो मध्यम आंच पर इसे आप फ्राई करें। देखिए लाल लाल मैंने इसे किया है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आंच जो है हाई नहीं होनी चाहिए। मध्यम आंच पर ही आपको आलू गोभी को लाल लाल होने तक फ्राई करना है। तो देखिए आलू ऑलमोस्ट पक चुके हैं। और यहाँ पर मैंने थोड़े फ्रेंच बीन्स लिए हैं, थोड़े हैं ताजे मटर। इनको मैंने 30-30 सेकंड के लिए फ्राई किया और बाहर निकाल लिया। अब उसी तेल में आधा चम्मच डालेंगे जीरा और दो तेज पत्ते। अगर आपका तेल खत्म हो जाए तो थोड़ा सा तेल आप डाल सकते हैं। दो तीन बड़ी इलायची डालेंगे। सूखे मसालों को मीडियम हीट पर भून लेंगे तकरीबन 30 सेकंड के लिए। उसके बाद इसमें डालेंगे ताजी मेथी। एक मुट्ठी भर के ताजी मेथी मैंने इसमें डाली है। दो से तीन मैंने टमाटर डाले हैं। एक इंच अदरक का टुकड़ा है जिसको मैंने कद्दूकस किया है। और हरी मिर्ची आप अपने स्वाद के हिसाब से डालिएगा। इस सब्जी में हरी मेथी ही डालिएगा, उससे स्वाद बहुत बढ़िया आता है। लेकिन अगर हरी मेथी नहीं है तो कसूरी मेथी आप डाल सकते हैं। उसके बाद एक टीस्पून लाल मिर्ची का पाउडर, 2 टीस्पून इसमें हम डालेंगे धनिया का पाउडर, आधा छोटा चम्मच डालेंगे गरम मसाला और आधा छोटा चम्मच डालेंगे हल्दी का पाउडर, और मोस्ट इम्पोर्टेंट आधा छोटा चम्मच इसमें डालेंगे हम आमचूर पाउडर, और नमक स्वाद के हिसाब से डालेंगे, और थोड़ी सी तकरीबन 1/4 टीस्पून इसमें डालेंगे चीनी। चीनी से रंग बड़ा अच्छा आएगा सब्जी का, बहुत ही स्वाद सब्जी बनकर तैयार होगी इन्हीं मसालों के साथ। बिना प्याज लहसुन के सब्जी इतनी कमाल की बनेगी कि आप बार बार ऐसी बनाना पसंद करेंगे। अब इन टमाटर को हम बिल्कुल नरम होने तक पका लेंगे। तो थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे, अच्छे से मिला देंगे और ढक्कन लगाकर इन्हें सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। तो इस सब्जी में टमाटर बिल्कुल ऐसे ही डालिएगा, ग्रेट करके नहीं डालने हैं, ना ही प्यूरे डालना है। हमें टमाटर को काट कर ही डालना है, तभी सब्जी का स्वाद उभर के आएगा और सब्जी हलवा स्टाइल बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। अभी हम क्या करेंगे, ये फ्राइड गोभी और आलू इसमें डालेंगे हम। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैंने इसे फ्राई किया है, लाल लाल होने तक फ्राई किया है, वो भी मध्यम आंच पर। बस इस बात का ध्यान रखें, और साथ में इसमें फ्रेंच बीन्स और मटर भी डाल देंगे। आप इसमें कैप्सिकम भी डाल सकते हैं, कुछ और सब्जी अगर आप डालना चाहते हैं तो भी डाल सकते हैं। सब्जी बहुत स्वाद बनकर तैयार होती है, लेकिन हम आलू गोभी बना रहे हैं वो भी अलग तरीके से। सब्जी का स्वाद बहुत उभर के इस तरीके से आता है। जब आप ऐसे बनाएंगे तो सब्जी बहुत कमाल की बनके तैयार होगी। और बस सब्जी को मसाले में डालने के बाद अच्छे से मिला देंगे। अब यहाँ पर हमें मध्यम आंच रखना है, और बस अब ढक्कन लगाकर इसे पका लेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट। तो सब्जी ऑलरेडी हमारी फ्राइड है, तो इसे पकने में समय बिल्कुल नहीं लगेगा। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, सब्जी में से जो है ऑयल रिलीज हो गया है, क्योंकि हमने सब्जी को फ्राई करके रखा था। तो सब्जी में तेल है, तो थोड़ा सा हम इसे अच्छे से अभी चला देंगे सब्जी को। आप अपनी पसंद के हिसाब से तेल इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। हम हलवाई स्टाइल सब्जी बना रहे हैं, इसलिए तेल की मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा इसमें लगी है, क्योंकि हमने सब्जी को फ्राई करके लिया है। लेकिन आप चाहे तो कम तेल में इसे फ्राई कर सकते हैं और सब्जी बना सकते हैं। सब्जी स्वाद बनकर तैयार होगी, गारंटीड। तो यहाँ पर देखिए सब्जी को मैंने अच्छे से चला दिया है, और आप देख सकते हैं कि आलू अच्छे से फूट रहे हैं, इट मीन्स ये पककर तैयार है। तो बस 3 से 4 मिनट लगे हैं और सब्जी हमारी ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो गई है। और सब्जी इतनी स्वाद बनी है कि आप बार बार ऐसे ही बनाना इसे पसंद करेंगे। अब जो है हम सब्जी को वापस से ढकेंगे और 2 से 3 मिनट इसे और पका लेंगे। तो ये देखिए सब्जी हमारी बन गई है, और मैंने गैस की फ्लेम कर दी है बंद, और आप देखकर अंदाजा लगा ही सकते हैं कि सब्जी कितनी स्वाद बनी है। तो बस यहाँ पर अब सब्जी को हम डिश आउट करेंगे। सब्जी पूरी के साथ बहुत शानदार लगती है, लेकिन पूरी पराठा रोटी सभी के साथ बहुत बढ़िया ही लगेगी। तो बस सब्जी हमारी बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं कितनी शानदार आलू गोभी की सब्जी बनी है, वो भी बिना प्याज लहसुन के। तो आप एक बार मेरे तरीके से सूखी आलू गोभी की सब्जी बनाना, आपको पसंद आएगी।
और सब्जी बनाने में समय बिल्कुल नहीं लगा है। जब हमने सब्जी को फ्राई किया था बस उसी टाइम पे 4 से 5 मिनट लगे थे हमारे, बाद में 3 से 4 मिनट में सब्जी बनकर तैयार हो गई है। और इस सब्जी को आप पूरी, पराठा, चावल किसी के साथ एंजॉय कर सकते हैं, सब्जी बहुत कमाल की बनी है। तो अगर आपको आज की आलू गोभी की सब्जी की रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।